Good morning students, in our previous video we learn about the three Mughal emperor Babur, Humayun and Akbar. Today we will learn the remaining Mughal emperor. Jahangir, he was the eldest son of Akbar, jisko Prince Salim bhi kaha jata tha. He continued Akbar's military companion. Jo Akbar ne itna vast empire jo shuru kiya hua tha, khada kiya tha, इसी तरह जहांगीर ने उसके मिलिट्री कंपेनियन जो लड़ाइयां थी उसको कंटिन्यू रखा. ही डिफीटेड ससोदिया रूलर ऑफ मेवार. मेवार का जो ससोदिया रूलर था अमर सिंह, उसको उसने डिफीट किया. हैड लेस सक्सेसफुल कंपेन अगेंस्ट द सिख अहोम्स एंड अहमदनगर. जो सिख थे, अहोम थे, अहमदनगर, वहां पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. सिक्स में क्या था, 1606 में जहांगीर जो था उसने, उसका जो सन था खुसरो, उसने क्या किया था, विद्रोह कर दिया. और जहांगीर को ये शक था कि जो उस टाइम पे फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, उसने उनकी हेल्प की है, तो इसीलिए उसने क्या किया, गुरु अर्जुन देव जी को बंदी बनाया. तो जिससे सिख जो थे वो उसके खिलाफ भड़क गए. अहम जो था बच्चों, ये क्या है, ये एक ट्राइब है, एक जाति है, कहाँ पर, असम में. हु डिफीटेड द मुगल्स, जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया, हराया. अहमदनगर, अब जो अहमदनगर का जो उस टाइम पे रूलर था वो था मलिक अंबर. हु टुक एडवांटेज ऑफ रिबेलियन ऑफ प्रिंस खुसरो, जिसने किसका लाभ उठाया कि जो प्रिंस खुसरो है उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, तो इसका उसने क्या किया, एडवांटेज उठाया. एंड रिकैप्चर्ड अहमदनगर इन 1610. प्रिंस खुर्रम रिबेल्ट, हम पढ़ चुके हैं बच्चों. ही मैरिड टू नूरजहां मेहरुनिसा. जहांगीर जो था उसने नूरजहां के साथ मैरिज की. नूरजहां जो है उसका दूसरा नाम मेहरुनिसा है, मतलब बचपन का नाम मेहरुनिसा है. एंड ही टुक हर एडवाइस ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट इशूज़, जितने भी इम्पॉर्टेंट इशूज़ थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड थे, हर एक जो इशूज़ थे उस पर क्या था, मेहरुनिसा या नूरजहां की वो क्या करता था, एडवाइस लेता था. अब जो नूरजहां थी उसका उस पर इतना प्रभाव था कि उसके फैसलों, सारे फैसले जो जहांगीर लेता था उस पर नूरजहां का प्रभाव जो था, इन्फ्लुएंस जो था वो दिखाई देता था. नूरजहां के नाम पर उसने कॉइन्स और जो सील्स जो थी वहाँ उस टाइम पे, मोहर जो जिसे हम कहते हैं, वो चलाई हुई थी. ही ऑल्सो फॉलोड हिज फादर्स सेकुलर पॉलिसीज. अकबर ने जो धर्म से रिलेटेड पॉलिसीज जो अपनाई हुई थी, हिंदू जो लड़कियां थी या जो राजकुमारियां थी, प्रिंसेस थी, उनके साथ शादी की थी. इसी तरह जहांगीर ने भी शादी की थी, और जो उस टाइम पे जजिया टैक्स नहीं लगाया गया था वो उस जहांगीर के टाइम पे भी फॉलो नहीं किया. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नूरजहां मेहरुनिसा. प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहां. शाहजहां का नाम तो आप लोगों ने सुना है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शाहजहां का पहला नाम प्रिंस खुर्रम था, और जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने आप को नाम दिया शाहजहां, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड. अफगान नोबल्स खानजहां लोदी रिबेल्ड एंड डिफीटेड. अफगान जो था खानजहां लोदी, उसने रिबेल किया, विद्रोह किया, लेकिन शाहजहां ने उसे डिफीट कर दिया. इन नॉर्थ वेस्ट कंपेन वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन शाहजहां जो था वो नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो अनसक्सेसफुल रहा. वो द कंपेन टू सीज बाल्कन फ्रॉम उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल. वो जो बाल्कन है वो उज़्बेक से लेना चाहता था, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली. इसी के साथ जो कंधार था वो भी वो हार चुका था. ही अनेक्स्ट अहमदनगर इन 1632. हिज सन हैड कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन. अब देखिए, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन, पर जो औरंगजेब जो था उसका सन, ही वॉज द विक्टोरियस एंड ही किल्ड हिज ब्रदर दारा शिकोहा एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर. जो औरंगजेब जो था उसने क्या किया, अपने ब्रदर्स को हराया, और उनमें से एक जो था दारा शिकोहा वो लड़ाई में मारा गया, और उसने शाहजहां को क्या किया, कैद कर लिया. अब शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो क्यों याद किया जाता है, क्योंकि अंडर हिज रूल ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो थे वो
फ्लरिश्ड हुए काफ़ी पहले। और हम लोग जितने मॉन्यूमेंट्स ज़्यादातर देखते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, रेड फोर्ट, ये किसने बनाया था? शाहजहां ने। दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट बिल्ड बाय शाहजहां। औरंगजेब, he imprisoned his own father to become the emperor. औरंगजेब ने अपने ही फादर शाहजहां को क्या किया, imprisoned, कैद कर लिया था और खुद एम्परर बन गया था। He ruled for 49 years. उसने 49 years तक रूल किया। He was the last of the great Mughal emperor. वो लास्ट मुगल एम्परर था, जो ग्रेट मुगल एम्परर था, जिसने क्या किया, अपने मुगल एम्पायर को एक्सटेंड किया। अब ये लास्ट मुगल एम्परर नहीं था, लेकिन लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर था। इसके बाद जितने भी सक्सेसर आए औरंगजेब के, दे वर वीक एंड दे वर नॉट एबल टू हैंडल सच अ वास्ट एम्पायर, और वो इतने एबल नहीं थे कि इतने वास्ट एम्पायर को हैंडल कर सके। नाउ औरंगजेब री इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। अकबर ने जो जजिया टैक्स हटा दिया था, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया था, उसको री इंट्रोड्यूस किया, दोबारा लगा दिया था। औरंगजेब जो था इन नॉर्थ ईस्ट, ही डिफीटेड अहोम इन 1663। अहोम हमने पढ़ा था, ये असम ट्राइब थी, जिसको किसने डिफीट किया, औरंगजेब ने इन 1663। लेकिन अहोम्स ने क्या किया, दोबारा से रिबेल किया औरंगजेब के खिलाफ इन 1680 में। अब जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनको क्या किया, औरंगजेब ने डिफीट कर दिया था। और वो आए थे इनिशियली, जो थे शिवाजी जो थे, वो आए थे और क्या किया, मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। बट ही इंसल्टेड हिम, औरंगजेब ने उन्हें इंसल्ट किया और क्या किया, उन्हें कैद कर लिया था। कहाँ पर? आगरा में। बट जो शिवाजी महाराज जो थे, वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बड़े ही चतुराई से वहां से वो बच के निकल गए एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग, और खुद को इंडिपेंडेंट किंग उन्होंने घोषित कर लिया। और फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। प्रिंस अकबर जो था, औरंगजेब का जो सन था, ही रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड डेक्कन सल्तनत्स। जो प्रिंस अकबर था, उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और उसकी हेल्प किसने की, मराठास ने, और जो डेक्कन सल्तनत थी, जो दक्षिण में सल्तनत थी, उन्होंने उसको हेल्प की। लेकिन औरंगजेब ने इस रिबेल को सप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। तो अकबर जो था वो क्या था, भाग गया। कहाँ पर? ईरान भाग गया। अब आफ्टर अकबर्स रिबेलियन, उसके विद्रोह के बाद जिन्होंने उसकी हेल्प की थी, औरंगजेब उनको सबक सिखाना चाहता था। सो ही सेंट आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। बीजापुर वाज एनेक्स्ड इन 1685 में बीजापुर पर, एंड गोलकुंडा इन 1687 पर कब्जा कर लिया। अब पर्सनली जो मराठास के खिलाफ लड़ाई है, वो औरंगजेब मैनेज करने लगा, वो देखने लगा। नाउ मराठास स्टार्टेड गुरिल्ला वार। मराठास जो थे, उन्होंने क्या फॉलो किया, गुरिल्ला वार। गुरिल्ला वार जो है, वो एक ऐसी वॉर है जिसमें क्या किया जाता है कि एनिमीज जो होते हैं वो आमने सामने नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, छुप के वार करते हैं। इसी तरह मराठास जो थे, वो मुगल आर्मी पर छुप के वार करते थे, इसमें एनिमीज हमें दिखते नहीं है। नाउ औरंगजेब डाइड इन 1707 AD। दिस इज द पिक्चर ऑफ शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, जिसमें आप देख सकते हो शिवाजी खड़े हैं और औरंगजेब जो है वो थ्रोन पर बैठे। द मुगल एम्पायर बाबर फ्रॉम औरंगजेब। देखिए, ये मुगल एम्पायर है जो कि बाबर के टाइम से औरंगजेब तक है। आप देख सकते हो कि पहले बाबर के टाइम, जो बाबर का टाइम है, हमने किया था कि वो काबुल से इंडिया आया। अब यहाँ पर आप नीचे तक देखिए, जहाँ पर आपको मदुरई और कैलिकट लिखा हुआ है, यहाँ तक किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के टाइम पर मुगल एम्पायर जो है वो फैल चुका था। दिस इज़ योर होमवर्क बच्चों, रीड पेज नंबर 49, 50, 51 ऑफ योर टेक्स्ट बुक
एंड राइट द गिवन होमवर्क नीटली इन योर एसएसटी नोटबुक।